एक दो फंदों के दो लाइन के डिजाइन लेके आए, बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी डिजाइन है। इस डिजाइन को बॉर्डर में बनाए, कैप में बनाए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में डाले, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हम फंदे लेंगे, दो के गुने में फंदे लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फंदे कितने लिए, मैंने यहाँ पर डबल किया हुआ ऊन, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। 20 फंदे हमने लेने के बाद एक सिलाई हमने सीधी बनाई है। पहली से फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हमने सीधी बनाई, दूसरी सिलाई हमने उल्टी बनाई। ये दो सिलाइयां बनाने के बाद आपको देखिए अब तीसरी सिलाई पे किस तरह से करना है। एक फंदा हम यहाँ पे उतार लें या बुन लें, या आपकी मर्जी थी, यहाँ पे मैं बुन लेती हूँ। ठीक है, इस फंदे को हमने बुना। अब देखिए क्या करना है। अब सेकंड फंदा और थर्ड फंदे के बीच में जो हमारी ये देखिए दिख रही गैप दिख रही है ये वाली, ये देखिए बीच में ये है ना, एक और दो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है इसमें डालेंगे हम इस तरह से, और यहाँ से धागा खींचते हुए ऊपर लाएंगे, ऐसे थोड़ा सा लंबा खींचना है। इसके बाद जो अगला फंदा है दूसरे नंबर वाला, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। फिर जो तीसरा नंबर और चौथे नंबर का फंदा के बीच में जो गैप है, इसके अंदर आप सिलाई डालें, यहाँ से धागा खींचते हुए थोड़ा सा ऊपर लाएंगे हम। ठीक है, तभी ये डिज़ाइन उभर के आएगी। इस तरह से खींचा हमने। अब ये वाला जो फंदा है इसे बिना बुने आपको ले लेना है। पूरी सिलाई आपको इसी तरह से करना है। देखिए बीच में जो गैप दिख रही है ना आपको, ये वाली फर्स्ट वाली, ये वाली ऊपर में, इसके अंदर हम इस तरह से सिलाई डालेंगे, धागा खींचते हुए अपनी ओर लाएं, थोड़ा सा लंबा खींचते हुए, उसके बाद अगला फंदा इस तरह से उतार लेंगे। देखिए इन दो फंदों के बीच में हम यहाँ से फंदा निकालते हैं। इसके बाद इस वाले फंदे को हम बिना बुने ले लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे, ऐसे लिया, अब इस वाले फंदे को बिना बुने ले लेंगे। पूरी सिलाई हमें यही करना है। एक फंदा यहाँ से लाया हमने और ये वाला फंदा बिना बुने ले लेंगे। फिर दो फंदों के बीच में से यहाँ पे सिलाई डालेंगे। इसके बाद फिर एक फंदा खींचते हुए ऊपर लाना है आपको, और एक फंदा बिना बुने ले लेना है। पूरी सिलाई हम यही करेंगे। फिर देखिए ये वाली जो पहली जो गैप दिख रही है यहाँ पे सिलाई डालना है आपको। इस तरह से डाला हमने सिलाई, फंदा निकाला और एक फंदा बिना बुने ले लिया। फिर से वही करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, एक फंदा निकाला, इस वाले फंदे को बिना बुने ले लिया, फंदा निकाला, एक फंदा बिना बुने ले लिया। फिर से यहां से फंदा निकालेंगे, ठीक है, फंदा निकाला, ये वाला फंदा बिना बुने ले लेना आपको। फिर से फंदा निकालेंगे, ये वाला फंदा बिना बुने ले लेंगे। फिर से इन दो फंदों के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे छोटा सा फंदा दिख रहा है, इसी में आपको सिलाई डालनी है और ये वाला फंदा बिना बुने ले लेना है। फिर से दिखाती हूँ, देखिए गैप दिख रही है ना, इसी गैप में आपको डालना है सिलाई। ऐसे लिए इस वाले फंदे को बिना बुने ले लेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे, ऐसे लिए बिना बुने उतार लिए, फिर यहाँ पे डाला, इसे बिना बुने ले लेंगे, फिर इसे लेंगे यहाँ पे, इसे बिना बुने ले लेंगे। फिर इन दो फंदों के बीच में देखिए यहाँ भी लेंगे, ठीक है, यहाँ भी एक फंदा इस तरह से लेंगे और इसे उतारेंगे। लास्ट का फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है, पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी सिलाई, दूसरी सिलाई देखिए किस तरह से बनेगी। पहला फंदा हम उतार लेंगे, ठीक है, दूसरी सिलाई उल्टा बनेगी हमारी। तो पहला फंदा उतार लिए, एक साथ हमने एक फंदा नीचे से निकाल रहे थे और एक फंदा बिना बुने ले रहे थे, तो एक साथ दो फंदे लेंगे इस तरह से और दो का एक कर देंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है। फिर से एक फंदा लिया और एक फंदा जो हमने लंबा फंदा खींच के लाया था, अब जो जोड़े जोड़े में फंदे हैं दो दो करके सभी को एक साथ लेना है, दो दो करते हुए और दो का एक करते हुए उल्टा बुन देना आपको। ऐसे लिया, फिर दो फंदे लेंगे एक साथ, दो का एक कर दिया, उल्टा बुन दिया, फिर दो फंदे लेंगे एक साथ, दो का एक किया, उल्टा बुन दिए। अगर आज की डिज़ाइन आप सबको पसंद आती है और समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोगों को वीडियो को लाइक नहीं करती हैं और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर और भी चीज़ें आपको देखनी है क्रोशिया से, मेरी एक चैनल है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और सॉक्स वगैरह का वीडियो अगर आप देखना चाहती हैं तो सोनू होम नीटिंग चैनल मेरी तीसरी चैनल है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से किया हमने, फिर दो फंदे लेंगे एक साथ एक और ये दो, इसी तरह से करते हुए दूसरी सिलाई भी हम
कंप्लीट कर लेते हैं, दो दो करते हुए एक साथ फंदे जो हैं उसी कप को उल्टा बनाना है। अब जब लास्ट में आ जाएंगे तो आपका एक फंदा बच जाएगा, तो इसे आपको नॉर्मल उल्टा बना लेना है। यही दो सिलाई आपको बार बार करते हुए जाना। और देखिए यहाँ पर डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत घनी बुनाई होती है इसकी, देख सकते हैं है ना, डिज़ाइन दिख रही है आपको। तो एक बार और बता देती हूँ कि किस तरह से करना है आपको। पहला फंदा उतार ले या बुन ले, ठीक है, ये आपकी मर्जी। इस तरह से लेंगे, पहला फंदा हम यहाँ पे बुन लेते हैं। अब देखिए, अब ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो फंदा, अब यहाँ पे देखिए गैप दिख रही है, बड़ी सी गैप दिखने लगी। अब यहाँ पे डालेंगे इस तरह से और एक फंदा यहाँ से खींच के लाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये वाला फंदा इस तरह से उतार लेना, फिर यहाँ पे डालेंगे, बस एक बार बता दे रही हूँ आपको, ऐसे लिया और ऐसे ऊपर उतार लिया। दो फंदों के बीच में जो गैप दिख रही है बड़ी सी, इसके अंदर आप सिलाई डालें, फंदा निकालें और ये वाला फंदा इस तरह से निकाल लें, उतार लें, ठीक है। तो इसी तरह से करते हुए जाना और बहुत ही प्यारी से और खूबसूरत से डिज़ाइन बन के आएगी, आपको दिख भी रही होगी, देखिए, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद आप यहाँ पे दो सिलाइयाँ बना लें, पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई उल्टी, उसके बाद ये डिज़ाइन हम शुरू कर देंगे। उल्टे साइड से ये जो देखिए जोड़े में फंदे आ गए ना, दो दो उल्टे साइड से पहला फंदा उतार लीजिए या बुन लीजिए, उसके बाद उल्टे साइड से दो का एक करते हुए सारे फंदे को जाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए बनाइए, मैं यहाँ पर बड़ी सी पिक लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकती हैं कि बड़ा बनने पे कैसे लगती है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं बना के रखा हो। इसी में आपको समझ में आ रही होगी कि डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।